मैं कवर सिंह लेकर आया हूँ एक बहुत ही बड़ी खबर जो कि है लखनऊ से। तो आइए आपको उस बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। उससे पहले दिल से दरखास्त है कि इस बड़ी खबर को अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक यार हर जगह पे वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो ताकि लोग इस बड़ी खबर के बारे में जान सकें और चैनल को इसी वक्त करते चलो सब्सक्राइब। अब बात करते हैं बड़ी अपडेट के बारे में। ये जो आप शख्स देख रहे हैं इनका नाम है कमलेश तिवारी। इनकी एक पार्टी है जिनका नाम है हिंदू समाज पार्टी। जी हाँ, ये इनके संस्थापक हैं। बड़ी बात ये है कि कमलेश तिवारी, जैसे ही इनका नाम आता है दिमाग में दो बातें घूमने लगती हैं। पहला, सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करने वाले एक वरिष्ठ नेता, और दूसरी बात आती है कि हिंदू के लिए अपना जीवन त्याग देने वाले एक ऐसे नेता। ये दो चीज़ इनके नाम से जुड़ी हुई है। इनको एक हिंदूवादी नेता के रूप में जाना जाता है। वो चाहे, इनका कहना है कि जो हिंदू होते हैं वो यादव या सिंह नहीं होते, वो हिंदू हिंदू होते हैं, और चाहे वो यादव हो या सिंह हो या ठाकुर, चाहे जो भी हो, वो हिंदू होने चाहिए। वो सब के लिए अपनी जी जान झोंक देते थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो कल इनके साथ हुआ है उसके बाद से बहुत ही बड़ा सवाल उठ चुका है। अब आइए बताते हैं आपको कल की घटना के बारे में, जहां पर दो तीन लोग आए थे। तीन लोग सीसीटीवी कैमरे में भी दिखाई दे रहे हैं, वही तीनों लोग गुजरात से आए थे मिठाई का डिब्बा लेके। जी हाँ, आपको भी लग रहा कि वो मिठाई का डिब्बा है। मिठाई के डिब्बे के अंदर रखी हुई थी रिवॉल्वर, ठीक है, मिठाई के डिब्बे के अंदर रखी हुई थी रिवॉल्वर। वो तीनों लोग इनके कार्यालय में जाते हैं, कमलेश तिवारी जी के कार्यालय में जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि तीनों लोग जो जाते हैं गुजरात से, वो तीनों लोग भगवा पहन के जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो भी एक वरिष्ठ कट्टर हिंदूवादी हैं। तो जैसे वो कार्यालय में जाते हैं तो भगवा पहने हुए थे तो उनको परमिशन मिल जाती है। इसके साथ ही कमलेश तिवारी की वो कार्यालय के यानी कि ऑफिस के अंदर भी घुस जाते हैं कमलेश तिवारी से मिठाई देने के लिए। मिठाई देने के बहाने वो घुस जाते हैं उनके ऑफिस में। जैसे ही वो जाते हैं वहीं दूसरी ओर उनको रिवॉल्वर से और चाकू से या जिससे मार दिया जाता है और कमलेश तिवारी वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सब होता है। और बड़ी बात यह है कि इसमें तीन लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और एक मौलाना भी बताए जा रहे हैं। तो यार शेयर करना वीडियो को ताकि लोग इस बड़ी खबर के बारे में जान सकें और इंसाफ भी मिल सके। इसलिए वीडियो को आग में फैला दो यार, शेयर करना।